तो दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में हमें स्मार्टफोन जो है वो महंगे होते हुए नजर आएंगे। तो वो कितने महंगे होंगे और कब से महंगे होंगे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो जीएसटी से पहले जो टैक्स हुआ करता था वो वैट नाम से हुआ करता था, वो स्टेट बाय स्टेट टैक्स हुआ करता था, मतलब हमें हर स्टेट का अलग टैक्स देखने को मिलता था। मान लीजिए कि आप किसी एक स्टेट में मोबाइल परचेस करते हो, वो आपको 10,000 का मिलता है, तो दूसरे स्टेट में वो हो सकता है आपको 11,000 का मिलता हो, किसी और स्टेट में आपको 9,000 का मिलता हो, मतलब हर स्टेट में टैक्स अलग था। फिर उसके बाद जीएसटी आया तो पूरे देश में जो टैक्स है वो एक हो गया, मतलब हर जगह इक्वली टैक्स लग रहा था। तो उस समय मोबाइल पे जो टैक्स हुआ करता था वो 12% हुआ करता था, आगे जाके उसे 18% किया गया। अब मोबाइल पर 18% टैक्स हो गया, लेकिन जो मोबाइल के सब पार्ट्स थे उन पर कोई टैक्स नहीं था। कुछ पार्ट्स पर थे लेकिन बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स थे, जैसे कि पीसीबी है, जैसे कैमरा मॉडल्स हो या फिर कनेक्टर्स हो, उन पर टैक्स हमें नहीं देखने को मिलता। तो 12% से 18% जीएसटी होने की वजह से मोबाइल के जो प्राइस थे वो ऑलरेडी बढ़ चुके थे और थोड़े महंगे हो चुके थे। जैसे कि पिछले साल मैंने रियलमी X2 लिया था, तो 12% जब टैक्स था तब मैंने अपने स्मार्टफोन को ऑर्डर किया था, जिसकी वजह से मुझे वो 17,000 का पड़ा था। लेकिन जब मैंने उसको लिया उसके बाद 18% जीएसटी होने के बाद उसी स्मार्टफोन की प्राइस हो गई 18,000। तो जीएसटी को 12% से 18% करने के बाद स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई। तो 2021 का जो बजट अनाउंस हुआ उसमें हमें पता चला कि स्मार्टफोन के जो सब पार्ट्स आते हैं उनके ऊपर भी अब टैक्स को लगाया जाएगा। जैसे कि पीसीबी हो गया, जैसे कि कैमरा मॉडल हो गया, जैसे कि कनेक्टर हो गया, जैसे कि चार्जर का अडैप्टर हो गया, उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह से होगा ये कि आने वाले कुछ टाइम में हमें स्मार्टफोन महंगे होते हुए नजर आएंगे। तो कितना परसेंट टैक्स को बढ़ाया गया, तो बात करें पीसीबी की, कैमरा मॉडल्स की और कनेक्टर्स की, तो उनके ऊपर 0% टैक्स हुआ करता था, उसको 2.5% इंक्रीज किया गया। और जो चार्जर बनाए जाते, चार्जर के अडेप्टर बनाए जाते, उसके मोल्डेड प्लास्टिक के ऊपर 10% से 15% टैक्स को बढ़ाया गया, और बाकी जो सब पार्ट्स है उन पर हमें 10% टैक्स देखने को मिलता है। अब जबकि सब पार्ट्स के टैक्सेस को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ टाइम में हमें स्मार्टफोन एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन कितना एक्सपेंसिव होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 500 से 1000 रुपए तक महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ टेक एक्सपर्ट का ऐसा भी कहना है कि ये जो कदम उठाया गया, जो बजट में टैक्सेस अप्लाई किए गए सब पार्ट के ऊपर, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है को इस वजह से फायदा हो सकता है, जैसे कि जो कंपोनेंट, जो सब पार्ट बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको कंपनी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंडिया में थोड़ी बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनका भी कुछ फायदा हो सकता है इसमें। और जो प्राइस बढ़ी है वो आने वाले कुछ टाइम के लिए बढ़ी रह सकती है, तो प्राइस जो है वो आगे जाकर कम होती हुई हमें नजर आ सकती है, ऐसा कुछ टेक एक्सपर्ट्स का कहना है। अगर आने वाले कुछ टाइम में आप परचेस करने जाते हैं किसी स्मार्टफोन को, तो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी, 500 से 1000 तक आपको प्राइस बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है।